गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, लेसन 7, नन्ही कलम से। देखिए, दिन पर दिन बीतते जाते हैं, दिन पर दिन बीतते जाते हैं, घटनाएं घटती रहती हैं। अगर इन्हें लिखकर संकलित कर लिया जाए तो ये स्मृतियां बन जाती हैं। प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं को लिखना डायरी लेखन कहलाता है। हमारे जीवन में जो प्रतिदिन घट रही है घटनाएं, उसे लिखना ही हम डायरी लेखन कहते हैं। डायरी लेखन हिंदी साहित्य की एक प्रमुख विधा है। डायरी लेखन क्या है? हमारे हिंदी साहित्य की एक विधा है। अब देखिए, ये लिखा गया है पत्र, डायरी लिखी गई है, पत्र नहीं है। ये एक घटना है जिसे लिखा गया है, लेखक ने लिखा है डायरी में अपने। शुक्रवार 17 अप्रैल 2020, आज हिंदी की अध्यापिका ने हमारी हिंदी को कॉपियां, हिंदी की कॉपियां जांचने के लिए मंगवाई थी। मैं अपनी कॉपी घर भूल ही गई, घर पर ही भूल गई थी। दरअसल कल बुआ जी का परिवार हमारे घर आया था। वे लोग रात में देर से गए, इसलिए मैं रात में देर से सो पाई और सुबह भी देर से उठी। सुबह हड़बड़ाहट में बस्ते में कॉपी रखना भूल गई। हमारी अध्यापिका निहारिका जी कॉपी न लाने पर बहुत गुस्सा थी। मैं डर गई थी कि वे मुझे बहुत डांटेंगी, पर उन्होंने मुझे नहीं डांटा। वे बोली, कल कॉपी ज़रूर लाना और कल का काम भी ज़रूर कर लेना। उनकी बात सुनकर मेरी जान में जान आई। आज मैं विद्यालय से आकर सो गई, 6 बजे उठी और अपनी प्यारी सहेली रीमा के घर खेलने चली गई। रात में एक बहुत अच्छी फिल्म आ रही थी जिसे देखते देखते 10 बज गए। अब मैं सोने जा रही हूँ। शनिवार 18 अप्रैल, आज सुबह जैसे ही मेरी नींद खुली, मुझे याद आया कि मैंने हिंदी का गृह कार्य नहीं किया है। मैंने सोचा कल तो मुझे डांट नहीं पड़ी थी, पर आज ज़रूर पड़ेगी। मैंने सोचा कि मैं आज विद्यालय नहीं जाती। मैंने पेट दर्द का झूठा नाटक किया। मम्मी पापा दोनों छुट्टी लेकर मेरी देखभाल के लिए घर पर ही रुके। उन्होंने मेरी वजह से अपना काम जरूरी काम छोड़ना उन्हें मेरी वजह से अपना ज़रूरी काम छोड़ना पड़ा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं बिस्तर पर लेट कर रोने लगी। घबराए हुए मम्मी पापा मेरे पास आए। मैंने रोते रोते उन्हें सारा सच बता दिया। मैं हैरान थी कि मेरे झूठ बोलने पर दोनों ने मुझे बहुत भी कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मुस्कुराते हुए पापा ने कहा, बिटिया मुझे बहुत खुशी है कि तुमने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। तुम्हें अपने झूठ बोलने पर अफसोस है, यह अच्छी बात है। मैंने उन दोनों से वादा किया कि मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूँगी। मम्मी ने कहा, अब छुट्टी हो ही गई है तो हिंदी का गृह कार्य पूरा कर लो ताकि हम लोग घूमने जा सकें। मैंने अपना गृह कार्य पूरा किया और फिर हम घूमने चले गए। हमने बहुत मस्ती की, खूब मस्ती की, पर शाम को मेरी सहेली रीमा की मम्मी मेरी माँ की किसी बात पर बहस हो गई। रविवार 19 अप्रैल, आज छुट्टी थी। अगर सब ठीक होता तो हर इतवार की तरह आज भी मैं और रीमा बहुत मस्ती करते। मेरा मन रीमा के बिना बिल्कुल नहीं लग रहा था। मुझे एक उपाय सूझा। मैंने मम्मी की तरफ से क्षमा याचना कार्ड बनाया और मम्मी को नज़र बचाकर रीमा की मम्मी को दे आई। ऐसा लग रहा था कि कार्ड पढ़कर वे खुश हो गई। उन्होंने भी जल्द से माँ के लिए एक क्षमा याचना कार्ड बनाकर मुझे दिया और माँ को देने के लिए कहा। अभी मैंने यह कार्ड अपने पास रखा है। मैंने कल
स्कूल जाते समय उन्हें वह कार्ड दूंगी ताकि जल्दी से मम्मी मुझसे और कुछ न पूछ सके। सोचकर बताओ, वर्तिका के स्कूल से वापस आने पर उसकी माँ ने क्या किया होगा। अब ये लाइन तो आप सोच कर लिखिए कि वर्तिका के स्कूल से आने के बाद उनकी माँ ने क्या किया होगा। उनसे जाकर मित्रता की होगी या वर्तिका को डांटा होगा। जो भी है वो आप अपने से सोच कर लिखिए। कहानी को अच्छी तरह पढ़िए और फिर सोच कर लिखिए। शब्दार्थ देखिए, संकलित करना, इकट्ठा करना, हड़बड़ाहट, घबराहट, स्मृतियाँ, यादें, अफसोस, दुख। सही उत्तर पर टिक लगाओ, निशान लगाओ। क, बृहस्पतिवार को वर्तिका के घर पर कौन आया था। बुआ जी का परिवार आया था। टिक लगा लीजिए, बुआ जी का परिवार आया था। ख, शनिवार को वर्तिका ने क्या नाटक किया। पेट दर्द का नाटक किया था। टिक करिए। ग, रविवार को वर्तिका ने किसका कार्ड बनाया था। क्षमा याचना कार्ड बनाया था। प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। देखिए, वर्तिका की कॉपी कहाँ थी। वर्तिका की कॉपी घर पर थी। ख, देखिए, वर्तिका ने 6 बजे उठकर क्या किया। उत्तर, वर्तिका 6 बजे उठकर अपनी प्यारी सहेली रीमा के घर खेलने चली जाती। चली गई, वह खेलने चली गई। ग, वर्तिका ने पेट दर्द का नाटक क्यों किया। ग, उत्तर देखिए, वर्तिका ने पेट दर्द का नाटक इसलिए किया ताकि उसे विद्यालय न जाना पड़े और डांट न पड़े। घ, वर्तिका ने अपने माता पिता से क्या या वादा किया। घ, देखिए, वर्तिका ने अपने माता पिता से वादा किया कि वह अब कभी झूठ नहीं बोलेगी। अंग, क्वेश्चन देखिए, यह इतवार हर इतवार से अलग कैसे। उत्तर में देखिए, यह इतवार हर इतवार से अलग इसलिए था क्योंकि उसकी सहेली रीमा उसके घर खेलने के लिए नहीं आई थी। अब लिखित प्रश्न देखिए, वर्तिका कॉपी रखना क्यों भूल गई, ये प्रश्न है। उत्तर देखिए, वर्तिका रात को देर से सोई थी और सुबह भी देर से जागी, इसलिए सुबह हड़बड़ाहट में जागने पर कॉपी रखना भूल गई। ख का प्रश्न देखिए, क्या सुनकर वर्तिका की जान में जान आ गई। उत्तर देखिए, अपनी हिंदी अध्यापिका निहारिका की के द्वारा यह कहे जाने पर कि कल कॉपी जरूर से ले आना, आज का काम भी जरूर कर लेना, सुनकर वर्तिका की जान में जान आ गई। ग, प्रश्न है, वर्तिका को क्या बुरा लग रहा था। उत्तर देखिए, वर्तिका को यह बुरा लग रहा था कि उसके नाटक की वजह से माता पिता दोनों ही अपनी ज़रूरी काम को छोड़कर छुट्टी लेकर उसकी देखभाल के लिए घर पर रुक गए थे। ख, देखिए, सच मानने बताने पर पापा ने वर्तिका से क्या कहा। सच बताने पर पापा ने वर्तिका से क्या कहा। घ, उत्तर, सच बताने पर पापा ने वर्तिका से कहा कि उन्हें खुशी है कि उसने सच बोलने की हिम्मत दिखाई, उसे अपने झूठ बोलने का अफसोस है, यह भी अच्छी बात है। अंग, वर्तिका की रीमा की मां को वर्तिका को रीमा की मां को मनाने का क्या उपाय सुझा। उत्तर देखिए, वर्तिका को उपाय सुझा कि उसने अपनी मम्मी की तरफ से एक क्षमा याचना कार्ड बनाया और रीमा की मम्मी को दे आई। च, कार्ड पाकर रीमा की मां ने क्या किया। उत्तर, कार्ड पाकर रीमा की मां ने जल्दी से वर्तिका की मम्मी के लिए एक क्षमा याचना कार्ड बनाकर उसे दे दिया। भाषा को समझें, भाषा को समझें। अब दिए गए शब्दों
में से उपसर्ग वह मूल शब्द अलग करिए, जैसे लापरवाह लाधन परवाह, निडर निधन डर, अवगुण अवधन गुण, सकुशल सधन कुशल, अनुरोध अनुधन रोध, संवाद समधन वाद, सफल सधन फल, अनजान अनधन जान। पाठ से पांच संज्ञा सर्वनाम और क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। संज्ञा हिंदी, शुक्रवार अध्यापिका रीमा माता पिता। सर्वनाम मैं वे उन्होंने मुझसे तुमने। क्रिया आप, बोलूंगी कहा, चली गई रोने लगी, आया बोलूंगी कहा चली गई रोने लगी। तीसरा देखिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के काल स्थान मात्रा तथा रीति के बारे में बताते हैं। जैसे बुआ जी कल आई थी, कल जो है कल समय कब, मैं बाहर खेलने चली गई बाहर, मैं काफ़ी थक गई थी काफ़ी, ये क्रिया विशेषण है। वर्तिका धीरे धीरे हंसने लगी, धीरे धीरे ये क्रिया विशेषण है। जैसे कल बाहर काफ़ी धीरे धीरे ये सब क्रिया विशेषण है। अब देखिए नीचे आपको क्रिया विशेषण को रेखांकित करना है। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाती हूँ, प्रतिदिन ये हमारा क्रिया विशेषण है। ख माता जी कल दिल्ली जाएंगी, कल क्रिया विशेषण है। मैं देर तक, ग में देखिए मैं देर तक जागती रही, देर तक ये क्रिया विशेषण है। घ बारी बारी से अपना नाम लिखो, बारी बारी क्रिया विशेषण है। अंग वह अधिक बोलती है, अधिक क्रिया विशेषण है। च मैं कक्षा में ध्यानपूर्वक सुनती हूँ, ध्यानपूर्वक ये क्रिया विशेषण है। अब देखिए नीचे दिया हुआ है कालम तालिका, सहपाठी को कैसा लगता है जोड़े बनाकर बातचीत करो। अब ये तालिका आप स्वयं भरें, क्योंकि आपके समय के लिए दिया गया है कि नीचे दिए गए लिखे कामों को करके आपके सहपाठी को कैसा लगा। जोड़े बनाकर बातचीत करो, अब बातचीत के आधार पर तालिका के उचित कालम में सही लगाओ। अब जैसा आप करते हैं वैसा लिखिए, उसे पढ़ के समझ कर।